ओके तो आज हम बना रहे हैं नूर के लिए एप्पल प्यूरी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा। एप्पल को हम पील कर लेंगे पहले, हल्का सा भी कुछ बचा हो वो भी निकाल देना है। और पील करने के बाद इसको हम डाइस कर लेंगे एप्पल को। तो इस तरीके से आपको डीसीड करना है, ठीक है, कोई सीड नहीं होना चाहिए। और बस उसको लीजिए और ऐसे करके चार हिस्सों में काट दीजिए, दैट्स इट। स्टीमिंग प्रोसेस आज भी सेम रहेगा क्योंकि हमारा इक्विपमेंट अभी तक आया नहीं है, तो ये हमने गर्म रेडी कर रखा है। इसके अंदर पानी है और ये जो कटे हुए एप्पल के पीसेस हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। तो इन पीसेस को 15 से 20 मिनट तक हम स्टीम होने देंगे और उसके बाद इसकी प्यूरी बना देंगे। और ये बहुत ज़्यादा पक गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कम नहीं होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको गर्म में ही आप मिक्सर ग्राइंडर में ना प्यूरी बनाएं, इसको आप अलग से कटोरी में रख लीजिए, इसको रूम टेम्परेचर में आने दीजिए। बेटर है कि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो बस मैं ऐसे रख दूंगा और उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर में आने दूंगा। तो रूम टेम्परेचर आने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के हमने प्यूरी बना ली है, क्योंकि लास्ट जो हमने कैरेट प्यूरी दी थी वो थोड़ी सी थिक हो गई थी। तो इसमें बॉइल्ड वाटर, इसमें ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया है, इसमें बॉइल्ड वाटर डाल के प्यूरी बना ली है। और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे लग रहा है कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, क्योंकि फूड है तो बहुत ज़्यादा लिक्विड भी हम नहीं देना चाहते। हाँ भाई बम्बीरी, उठ गए आप, निन्नो हो गया आपका, घोड़ा अपना तगड़ा है। ओके नूर, आर यू रेडी फॉर योर एप्पल एक्सपीरियंस? और जो मासी ने भेजा हुआ था निबलर, वो हम यूज करेंगे आज। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिलेंडर है जिसके अंदर हमने ये एप्पल प्यूरी भर दी है, और उसके बाद ये स्पून है। तो जैसे ही इसको स्क्वीज करेंगे यहाँ पे प्यूरी आ जाएगी, और ये हम खिलाएंगे नूर को। वेरी गुड एप्पल नूर, इट्स अ बिग आ रिक्वायर्ड, बिग आ। Very good. Yummy, yummy, yummy. What's the taste? The taste should be good, right? It's sweet. No, look at me. हमारा ना वन ऑफ द बिगेस्ट पेरेंटिंग फियर है सॉलिड्स को लेके, क्योंकि कबीर ने इतना स्मूथली सॉलिड एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट जब हम वीडियोस भी डालते थे उस टाइम पे तो काफी कमेंट्स आते थे कि भाई हम बिलीव नहीं करते कि आपका बेटा ऐसे खाता है, आपका बेटा इतनी सारी चीजें खाता है, प्रॉब्लम नहीं करता एंड दिस एंड दैट। तो हमें लगता था कि यार मतलब इतने पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो आई एम श्योर इट इज ट्रू। और हमारे फ्रेंड्स ने भी शेयर किया कि उन्होंने भी फेस करा था फूड रिलेटेड प्रॉब्लम, बट हमें कभी उस चीज की तकलीफ नहीं हुई। कभी रीच एवरीथिंग इवन टिल नाउ, आज तक हैरान होते हैं फ्रॉम डे वन। लाइक इवन इफ आई गिव हिम पालक, तो काफी बच्चे खाते हैं। इवन इफ यू गिव हिम करेला मेथी व्हिच इज आल्सो समटाइम्स कड़वा, पालक कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं नॉन वेज, वेजिटेबल्स भी उसको दे दो, अरबी ही लव्स। बेसिकली मैं ये बता रहा था कि नूर का सॉलिड एक्सेप्टेंस होगा नहीं होगा हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब एक क्यूरियोसिटी है जानना कि ये प्रॉब्लम्स वगैरह जो फेस करते हैं लोग वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और उससे बड़ा मुझे एक्साइटमेंट है कि पहले हाई चेयर आना चाहिए। मुझे लगता है हाई चेयर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके खाने के पूरे एनवायरनमेंट में। ये इज नॉट द राइट एनवायरनमेंट इज व्हाट आई फील। और लास्ट वीडियो में भी काफी लोगों ने सजेस्ट किया था, काफी सारी चीजें सजेस्ट हुई थी, दाल का पानी, चावल का पानी और खिचड़ी, खीर, पता नहीं क्या क्या। तो हम लोग जो कबीर के टाइम पे हमने ट्राई किया था, ट्राइड एंड टेस्टेड जो मेथड है वही ट्राई करेंगे। फ्रूट्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे 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 ग्रेजुएट करेंगे, बिकॉज एज पर आर रिसर्च एंड एज पर आर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो इट हैज़ वर्क्ड फॉर मैनी मैनी पेरेंट्स। सो देर इज नो रीजन फॉर अस टू चेंज द प्रोसेस। यू डोंट मेक दैट फेस, द फेस इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग दैट यू आर मेकिंग। ओके अच्छा, निबलर आई फाइंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वन, इट्स वेरी इजी है। और हमें ये इंडिया में भी बहुत जगह मिल जाता है, मिल जाता है, मतलब मदर केयर वगैरह पे इजीली मिल जाएगा, काफी ब्रांड्स में अवेलेबल है। ये प्लम बनी को लाना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली, प्लम बनी के सारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे होते हैं तो ये तो डेफिनेटली यस। फिर मतलब होता है आंख बंद करके ले सकते हो, बंद करके ले सकते हो। और नूर ने भी प्लम बनी का ही बिब पहना हुआ है जो 0 मंथ से चल रहा है।
छोटा सा मेरा बनी तो है ये इसके टीथ वैसे मैं बताऊं शी इज लाइकिंग इट हां ऑफ कोर्स इतने सारे बाइट्स मेरी टेक वो देखो भैया आ गया अब दो भैया है ना अ फ्यू सिप्स ऑफ वाटर आफ्टर द मील नूर नंदूर लव्स वाटर ओह माय गॉड दिस सो नाइस वाटर इज वेरी नाइस इजंट इट बाहर निकल ली जाए हां बट ठीक है थोड़ा सा टाइम में भी चला जाएगा ये वही पानी दे दो बहुत सारा पानी दे दो आपके सिपर भी मंगा लेंगे नूर हम लोग रेडी नहीं थे 5 months के लिए भाभी मम्मा के मुंह के ऊपर पुसी करनी थी कटाका तेरी पेट में मार दिया मेरे ये क्या कर रहे बम्बीरी बम्बीरी इज प्लेइंग हां जी प्रैक्टिसिंग सिटिंग अच्छा सिटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो बाबा आज बेड पे बैठ गई थी पता है लाइक 5 seconds खुद ब खुद हाँ कि उठा दिया था और उसके बाद बैठ गई थी नहीं नहीं पता उठा के कैसे रहना ऐसे बिठाया और अच्छा, छोड़ दिया अरे वाह 5 seconds उसने विदाउट सपोर्ट बैठ नूर आपने खुद से कर लिया क्या बात कर रहे हो आप तो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो बाबा हाँ बाबा shoes or crocs I saw there's water acha water is spilled yes you're such a good boy caring boy ha mera dhyan rakhne ke liye usne bata diya mujhe haan ji aapko camera dekh ke bahut acha lag raha hai na kisko pakad lu main ek bar camera ko ye mere haath mein aa jaye camera ye to koi nayi cheez lag rahi hai kabu keh rahi hu noor aise kar do kaam noor kaam kar do kaam camera kaam chahiye chahiye camera ye to nayi cheez hai bhai ये तो नई चीज है नूर हेलो हेलो कर दो हेलो 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 करो पहले रायरा से नूर हेलो 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 कर दो हाय नूर हेलो हेलो हाय नूर हाउ आर यू अनुरु कम कम नूर कम कम देखे जा रही कैमरे में माइक लगा हुआ है ना इसको बजा इसको देखे जा रही है कि भाई क्या है ये एक बार टच कर लो चलो एक बार टच कर लो कभी तुम पोछा क्यों लगा रहे हो भाई क्यों पोछा लगा रहे हो मुझे बताओ हाँ क्यों पोछा लगा रहे हो पोछा लगाने का क्या शौक है देखो मुझे क्यों लगा रहे हो पोछा तुम ले जाओगे यहीं पे दादा कम नूर कम कर दो दादा कम कम नूर कम दादा कम नूर कर दो ने लेटेस्ट एक सीखा है कैमरा को देख के वो नहीं कर रही है बट वो इतने प्यार से ऐसे बुला रही है ना नूर कर दो ऐसा मन कर रहा है कि सब उठ के चले जाएं नूर कर दो कर रही है धीरे धीरे नूर काम 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 हाँ करो काम काम दादा काम दादा काम बाद में दिखाएंगे ठीक है ये लो जी बिब और टॉवल प्लम्बनी का लैम्बोर्गिनी नहीं प्लम्बनी rhyming word okay Noor camera dekhna hai use yaar Noor is ready for her solids Noor ek bar karke dikha do kam wala na kam na dada kam kar do kam kam kya karne wale ho aap kuch nahi camera lena hai usko camera latest dikh raha hai camera camera kam naya dikh raha hai कैमरा का ये निबलर कल भी यूज किया था ये मासी ने भेजा है ऑस्ट्रेलिया से इसको ट्राई करेंगे आ आ आ आ मेरा बच्चा एप्पल कम सी कबीर हाउ इज इट हाउ इज इट इट्स नाइस कम इट्स नॉट बैड इज इट सी द इक्विपमेंट फुड़फुड़फुड़ कर दिया उसने फुड़फुड़फुड़ कर दिया चेयर आ जाएगा देन इट विल बिकम ओके बट अदरवाइज शी इज हैप्पी टू कबीर यस हाय So as usual we together both of us are in the car yes and what are we doing we are waiting for mama and nani so and girls noor are kapoor and noor also noor is also a girl yes so basically the boys are in the car waiting for the girls to come yes I why agree. girls take so much time kabir what's your take and on it? I think keep your leg niche I told you already I think so hmm they said
we and you are gone now. We are gone in the car. Now let's watch TV. Achha, you think they are watching TV? Yes. What are the chances of them watching TV versus them eating something? What do you think? TV or eating? Watching, eating while watching TV. Achha, they are doing both. That's funny. Okay, let's see how long they take to come. Everything will probably